अपनी गलती से आई। क्या गलती हुई थी? मैंने अपने दोस्त के साथ में उनको बताया घर निकल आई घर से। घर वालों ने जो घर से निकाल दिया इस बात पे या फिर क्यों पछता रही आप? अकेली मैं कहाँ जाऊँगी? यहाँ पर औरतें आपको नशे पे लगाती तो नहीं, लगाने की कोशिश करती हैं? मैं नहीं करती। नहीं लगती कि अगर आपको किसी के घर में छोड़ दिया जाए, कहीं आप काम कर लो, अपनी ज़िंदगी गुजार लो, कोई शादी, तो इस तरह मुमकिन हो सकता है? मुझे इस बातों का मुझे नहीं पता है? मुझे इस बातों का मुझे नहीं पता। नहीं पता? अस्सलामुअलैकुम, एसपीएन न्यूज़ के साथ मैं हूँ मियाँ अरसलान। नाज़रीन, मैं इस वक्त दाता दरबार पर मौजूद हूँ और यहाँ से मैं रैंडमली गुजर रहा था तो एक लड़की यहाँ पर ज़ारो कितार रो रही है, और जब मैंने इससे जानने की कोशिश की कि आप क्यों रो रही हो, तो इस लड़की का ये दावा है कि मैंने कोई ऐसी खता, ऐसी गलती की थी जिसकी वजह से मेरे वालदैन ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। एक इज़्ज़तदार घराने से इसका ताल्लुक है, इस लड़की का कहना है। आइए इससे जानते हैं कि क्या गलती हुई थी कि वालदैन ने घर से ही निकाल दिया। अस्सलामुअलैकुम मारी, क्या नाम है आपका? सोनिया। सोनिया, कितनी उम्र है? 36 साल। हाँ, 36। अच्छा, कहाँ से आई हो? फैसलाबाद से। फैसलाबाद से। कौन सी बरादरी के साथ ताल्लुक है? मलक तेली। मलक है? तेली। तेली, अच्छा। मुझे ये बताएं कि यहाँ पर क्यों रो रही हो, कैसे आ गई हो यहाँ पे? अपनी गलती से आई। हाँ? अपनी गलती से आई। क्या गलती हुई थी? मैंने अपने दोस्त के साथ में उनको बताया बाहर निकल आई घर से। अच्छा, दोस्त के साथ कहीं बाहर चली गई थी? कितने दिन बाहर रही हो? एक दिन। एक दिन है तो दोस्त ने कोई आपके साथ कोई जिस्म आपका इस्तेमाल किया हो? नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। तो फिर वो आपको कहाँ छोड़कर चला गया था? दाता साहब। अच्छा, घर से आपको भगा के ले आया, दाता साहब छोड़ दिया। अच्छा, तो फिर आप घर नहीं गई? अगर घर गई हो तो वालदैन ने घर दाखिल नहीं होने दिया? अच्छा, अभी जो आपके आंसू हैं किस पे हैं, किस बात में? घर वालों ने जो घर से निकाल दिया इस बात पे, या फिर क्यों पछता रही हैं आप? अकेली मैं कहाँ जाऊँगी? सही बात है मेरी बहन, आपने रो रो के तो अपनी आंखों का भी बुरा हाल कर लिया, आपके चेहरे पे, आंखों पे भी स्वेलिंग हो चुकी है। कोई बात। अच्छा, कितने बहन भाई हो? 4 बहनें 1 भाई। अच्छा, भाई क्या करता है? भाई दर्जी, कपड़े सीता है। अच्छा, और वाले साहब? वो दूध बेचते हैं। दूध बेचते हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ कि कोई नशा वगैरह भी करती हो? नहीं करती। यहाँ पर औरतें आपको नशे पे लगाती तो नहीं, लगाने की कोशिश करती हैं? मैं नहीं करती। नहीं लगती? तो सोती कहाँ पे हो? वो पर औरतें सोती ना कहाँ पे। अच्छा, तो आपके ये जूते वगैरह कहाँ है सामान? मेरे पास कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं? खाना कहाँ से खाती हो? वो चावल बांटते, वो खा लेते। अगर कोई दे दे ठीक है, ना दे तो भूखी। अच्छा, अब घर वालों की याद तड़पा रही है? माँ बाप की याद में रो रही हो ना? दिल करता घर जाने को? नहीं करता, लेकिन अपनी गलती पे पछतावा है ना? हाँ। अच्छा, मुझे ये बताओ कि बहुत सी ऐसी लड़कियाँ हैं जो कि अपने आशिकों के पीछे, अपने लवरों के पीछे अपने घर वालों को छोड़ देती हैं, और वो ये चाहती हैं कि शायद उनके जो लवर हैं उनके साथ सारी ज़िंदगी गुजारेंगे, तो लेकिन वो नहीं गुजारते। क्या कहोगी उन लड़कियों को? वो किसी और से लव करते हैं इसलिए है? वो किसी और से लव करते हैं इसलिए। इसलिए? अच्छा, कोई पढ़ी लिखी भी हो कि नहीं? नहीं पढ़ी लिखी। अच्छा, मुझे ये बताओ अगर आपको कहीं अदारे में कहीं छोड़ दिया जाए तो कहाँ पे अपनी वहाँ पे ज़िंदगी गुजार सकती हो? उधर नहीं मैं जाऊँगी। नहीं जाओगी? यहीं अपनी ज़िंदगी ख़त्म करती हो? क्यों, क्या वजह है? अच्छा, आज आपको अपनी गलती पे पछतावा हो रहा है कि आपने घर वालों को नहीं छोड़ना था? हैं, पछतावा तो हो रहा है। अच्छा, घर में सबसे ज़्यादा प्यार कौन करता था? बाबा। हाँ, बाबा। बाबा प्यार करते थे? आज बाबा की बातें तो याद आ रही हैं। हाँ। अच्छा, मुझे ये बताओ कि अब तक यहाँ पर आपको किसी लड़के ने हरासा किया हो, कोई छेड़ा हो, कोई आपके साथ कोई टच हुआ हो? किसी ने भी नहीं? तो यहाँ पर ऐसे अकेले ही बैठी रहती हो, और कोई सामान नहीं आपका, कोई सिगरेट, कोई नशा नहीं?
अगर आपका कोई बेहतर बंदोबस्त कर दिया जाए, अगर आपको किसी के घर में छोड़ दिया जाए, कहीं आप काम कर लो, अपनी ज़िंदगी गुजार लो, कोई शादी, तो इस तरह मुमकिन हो सकता है? मुझे इस बातों का मुझे नहीं पता है? मुझे इस बातों का मुझे नहीं पता। नहीं पता? क्यों नहीं पता? नहीं पता इस बातों का मुझे। इस माशरे पे दुख आ रहा है ना कि माशरे ने आपके साथ क्या किया और आपको कहाँ से लाकर कहाँ फेंक दिया है। हाँ, चले। और अभी आप रोएं तो ना, इतना रो रो के आप अपना बुरा हाल कर चुकी हैं। अच्छा, क्या कहना चाहोगे उन लड़कियों को जो अपने वालदैन को छोड़ देती हैं, बहुत बड़ी गलती कर देती हैं, कॉलेजेस में से भाग जाती हैं, और आज आपको देखो कि एक लड़का जिससे आप मोहब्बत करती थी यहाँ आपको फेंक के चला गया? कोई है अल्फाज आपके पास? नहीं। नाज़रीन, इस लड़की की हालत ज़ार आप देख सकते हैं कि किस तरह ये ज़ारों की तार रो रही है। मामला कुछ यूँ हुआ है कि इस लड़की ने किसी लड़के के साथ ये गई थी, उससे मोहब्बत करती थी, और एक दिन बाद वो लड़का इसको, जो कि दाता साहब, छोड़कर भाग गया, और इसके आंसू बता रहे हैं कि ये अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ी ख़ता कर बैठी है, और ये ख़ता जो इसकी है, ये इसकी गलती है। आज इसको फुटपाथ पर एक घर में बैठी इज्जतदार खातून को फुटपाथ पर ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर कर रही है, और इस लड़की का ये कहना है कि मैं कोई नशा नहीं करती, यहाँ पर मुझे कोई शख्स छेड़ता नहीं है, लेकिन मैं यहीं पर अपनी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हूँ। तो मेरा उन लड़कियों को, उन कॉलेज की बेटियों को, उन बहनों को यही पैगाम है कि खुदारा आप भी अपनी ज़िंदगी के जो मामलात हैं, फैसले सोच समझ के करें, नहीं तो आप भी इन्हीं तरह अपनी ज़िंदगी जो कि दर बदर के ठोकरे खाने पर मजबूर होंगी। इसी के साथ अपने मेज़बान मियां अरसलान को दीजिए इजाज़त, देखते रहें एसपीएन न्यूज़।